नमस्कार। लोकसभा चुनाव के तीन चरणों की वोटिंग हो चुकी है और चौथे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होने वाला है। इस बीच क्या आपने ये ध्यान दिया कि रैलियों में, चौराहों पर, चाय की दुकान पर चुनावी मुद्दे क्या हैं, किन शब्दों पर चर्चा हो रही है, लोग क्या कह रहे हैं? अक्सर नतीजों की भविष्यवाणी करने वाले मुस्लिम वोट का जिक्र जरूर करते हैं। अक्सर ये बात पूछी जाती है कि मुस्लिम वोटर किधर जाएगा। अक्सर किसी प्रत्याशी की जीत या हार का हिसाब इस फॉर्मूले के आधार पर तय किया जाता है कि मुस्लिम वोट बटेगा या इकट्ठा रहेगा। आपने हर अखबार में, हर न्यूज चैनल पर यह शब्द जरूर सुना होगा कि मुस्लिम वोट बैंक किधर जाएगा। हमारे देश में 90 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं, जिनमें मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 12 करोड़ से ज्यादा है। आखिर क्यों मुस्लिम वोटर चुनाव के समय इतना चर्चा का केंद्र बन जाते हैं, इतनी चर्चा में आ जाते हैं? जी न्यूज गोल्ड में आज हम आपको जो बहस दिखाने जा रहे हैं उसमें मुस्लिम वोटर, तुष्टीकरण, धर्म निरपेक्षता और मजहबी राजनीति पर बात होगी। इमरजेंसी के बाद हमारे देश में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। चुनाव में रुचि रखने वाले हर भारतीय को राजनीति शास्त्र के ये दो अध्याय ध्यान से पढ़ने चाहिए। पहला अध्याय है शाहबानो और दूसरा अध्याय है अयोध्या। इन दोनों मुद्दों का हमारी चुनावी राजनीति पर बहुत ही गहरा असर पड़ा। इन दोनों मुद्दों पर अपने जमाने में दो प्रमुख लोग काफी सक्रिय थे, जिनके नाम हैं सैयद शहाबुद्दीन और के.एन. गोविंदाचार्य। शाहबानो और अयोध्या के नाम पर जो राजनीतिक आंदोलन शुरू हुए उन पर इन दोनों के विचार बहुत मायने रखते हैं। दोनों के बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले आज की चर्चा शुरू करते हैं। जी न्यूज गोल्ड में आज पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के साथ शहाबुद्दीन और गोविंदाचार्य। नमस्कार। आजकल हमारे देश में बड़ी चर्चा है अल्पमत की समस्याओं की। ये चर्चा कोई आज की नहीं है, आज़ादी की लड़ाई के दिनों में इस सवाल पर बहुत विवाद खड़े हुए, हमने उसके बुरे परिणाम देखे, भारत दो हिस्सों में बटा। ये प्रसन्नता की बात है कि सारे विवादों के बावजूद भारत ने सबको साथ लेकर के चलने का संकल्प लिया और उस संकल्प में हम बहुत कुछ खड़े उतरे। लेकिन आज ये सवाल ज़्यादा प्रखर रूप से हमारे सामने आ रहा है। कुछ लोग राजनीति में सवाल उठा रहे हैं कि आज अल्पमत को रिझाने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए सरकारें या कुछ राजनीतिक पार्टियां ज़रूरत से ज़्यादा घुटने टेक रही हैं। अल्पमत की बात करने वाले हमारे मित्र जो राजनीति में काम करते हैं वो भी इनकी समस्याओं को गहरे रूप में नहीं सोचते। हमें प्रयास करना चाहिए कि जो कुंठा उनके मन में छाई हुई है उसको मिटाने का हम प्रयास करें और उन्हें ये बताएं कि जहाँ तक उनके आर्थिक सवाल हैं, जहाँ उन तक उन्हें सामाजिक विषमता का सामना करना पड़ता है, इसके लिए वो आंदोलन करें, इसके लिए आवाज़ उठाएं। लेकिन इसको धर्म से जोड़ने की कोशिश उनके लिए स्वयं अच्छी नहीं होगी और समाज में इससे और टकराव की स्थिति पैदा होगी। एक बार जब अल्पमत टकराव की स्थिति पैदा करने का प्रयास करता है तो बहुमत में जो लोग हैं, जो भी सांप्रदायिक भावनाओं को भड़का करके अपनी राजनीतिक उद्देश्य बढ़ाना चाहते हैं, वो लोग उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। और हम ये देख रहे हैं कि इस तरह का माहौल दिन पर दिन अधिक विषाक्त होता जा रहा है। न इस्लाम खतरे में है, न हिंदू धर्म खतरे में है, कुछ लोगों के स्वार्थ खतरे में है और उस स्वार्थ को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के नारे लगाए जाते हैं जिससे आपस में विवाद पैदा हो। हमें आवश्यकता है अल्पमत के लोगों को अधिक शिक्षा देने की व्यवस्था करने की। चंद्रशेखर ने दो महत्वपूर्ण बातें कही। पहली बात, न इस्लाम खतरे में है, न हिंदू धर्म खतरे में है, कुछ लोगों के स्वार्थ खतरे में है। और दूसरी बात, अल्पसंख्यकों को रिझाने के लिए कुछ सरकारें या पार्टियां जरूरत से ज्यादा घुटने टेक रही हैं। आगे की चर्चा में शामिल होने से पहले आपको यह समझना चाहिए कि चंद्रशेखर का इशारा किस तरफ है। कब, कहां, क्यों, किस सरकार ने अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए अपने घुटने टेक दिए?
इसकी सबसे बड़ी मिसाल है शाहबानों की कहानी। कहानी सरल शब्दों में कुछ इस तरह है कि वर्ष 1975 में इंदौर के एक वकील ने अपनी बीवी शाहबानों को बच्चों के साथ घर से निकाल दिया। शाहबानों ने जब अपने शौहर से गुजारा भत्ता मांगा तो उन्होंने मना कर दिया। मामला निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और हर अदालत में शाहबानों की जीत हुई। 23 अप्रैल 1985 को चीफ जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया कि शाहबानों के शौहर मोहम्मद अहमद खान उन्हें हर महीने 500 रुपए का गुजारा भत्ता दें। लेकिन राजीव गांधी की सरकार ने साल भर बाद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया। सरकार ने विपक्ष के विरोध के बावजूद फरवरी 1986 में संसद में वो बिल पेश किया जिसके तहत तलाक के बाद गुजारा भत्ता मिलने का मुस्लिम महिलाओं का अधिकार समाप्त कर दिया गया। मुस्लिम वेमेन प्रोटेक्शन ऑन डिवोर्स एक्ट पास हो गया और सरकार मुस्लिम वोट बैंक के दबाव में झुक गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने के लिए सरकार पर दबाव बनाने वाले संगठनों में सबसे आगे था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। इस चर्चा में चंद्रशेखर के साथ बैठे सैयद शाहबुद्दीन उस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बड़े नेताओं में शामिल थे। शाहबुद्दीन भारतीय विदेश सेवा से इस्तीफा देकर राजनीति में आए थे और बिहार की किशनगंज लोकसभा सीट से वो दो बार सांसद रहे। शाहबुद्दीन ने इंसाफ पार्टी नाम का एक राजनीतिक दल भी बनाया था और 2017 में उनकी मृत्यु से पहले तक शाहबुद्दीन मुसलमानों से जुड़े मुद्दों को उठाते रहे। हमारे बीच आज शाहबुद्दीन साहब हैं। इन सवालों को इन्होंने बहुत गौर से देखा है, न केवल इस देश में दुनिया के और देशों में ऐसे मसाइल उठे हैं। विदेशी सेवा में थे तो इस कारण वहाँ की भी जानकारी इनको है। इनके दिलों में एक एहसास है अकलियत के जो दिक्कतें हैं, जो कठिनाइयां हैं, जो उनके मसाइल हैं। विद्यार्थी जीवन से इन्होंने सियासत में हिस्सा लिया है, राजनीति में हिस्सा लिया है। पहले प्रगतिशील आंदोलन में थे, बाद में विदेशी सेवा में थे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसे माहौल में, जबकि घाव पहले ही सहरा था, उसको और कुरेदने की कोशिश हो रही है, तो इसका क्या अंजाम होगा? इसका क्या नतीजा होगा हमारी सियासत पर? क्या नतीजा होगा मुल्क की, दुनिया के दूसरे देशों में जो इज्जत है उसके ऊपर? और कितनी हद तक हम अपनी एकता को, अपने इत्तेहाद को बचाए रख सकेंगे? मैं ये तो नहीं मानता चंद्रशेखर जी कि आज मुसलमानों के दिल में कोई डर है। डर नहीं है, बेचैनी है, बेइत्मीनानी है, परेशानी है। और आज परेशानी उनको इस बात की नहीं है कि देश में कोई यह सरकार कत्लेआम करवा देगी या कोई बड़े पैमाने पर दंगे कराएगी। न उनके दिल में ये डर है इस बात का कि कल उनके मुंह से रोटी छीन ली जाएगी। आज दुनिया भर में, मैं सारी दुनिया को देखता हूँ, रूस मेरे सामने, यूगोस्लाविया मेरे सामने है, कनाडा मेरे सामने है, ऑस्ट्रेलिया मेरे सामने है, हर जगह आज एक पहचान की भूख है। और अकलियतों का सवाल आज सबसे बड़ा पहचान का सवाल है, वो अब रोटी का सवाल नहीं है। और आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के दिलों में जो बेचैनी है वो इसी बात की है कि एक कल्चर के नाम पर, वन नेशन वन कल्चर के नाम पर, उनके पहचान को मिटाने की कोशिश की जाएगी, उनको असिमिलेट करने की कोशिश की जाएगी। आज दुनिया की सारी अकलियतें इंटीग्रेट होने के लिए तैयार हैं, असिमिलेट होने के लिए तैयार नहीं है, और यही सबसे बड़ा खतरा है। 80 के दशक में कांग्रेस की सरकार तुष्टीकरण के खतरनाक रास्ते पर निकल पड़ी। लेकिन ये हुआ कैसे? 1984 में अक्टूबर का महीना शुरू होते होते देश में चुनावी माहौल बन चुका था। 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई और दिसंबर के आखिरी हफ्ते में चुनाव हो गए। कांग्रेस सहानुभूति की लहरों पर सवार होकर सत्ता में जबरदस्त जीत के साथ लौटी। उस जमाने में कांग्रेस को 404 लोकसभा सीटें मिली। साल की आखिरी तारीख को यानी 31 दिसंबर 1984 को राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। देश को नया प्रधानमंत्री तो मिल गया, लेकिन क्या नई सोच भी मिली? 1985 में जब शाहबानों के हक में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो राजीव गांधी की सरकार ने पहले इसका समर्थन किया। 23 अगस्त 1985 को राजीव गांधी की सरकार में गृह राज्य मंत्री आरिफ मोहम्मद खान ने कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हुए संसद में करीब घंटे भर का शानदार भाषण दिया। कांग्रेस के सामने यह शानदार मौका था
कि वो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए धर्मनिरपेक्षता की आदर्श छवि देश के सामने पेश करती। लेकिन 1985 के अंत में कई राज्यों में हुए उपचुनावों में कांग्रेस हार गई। कांग्रेस आलाकमान को उसके सलाहकारों ने बताया कि शाहबानो केस में सरकार के रुख से मुस्लिम मतदाता कांग्रेस से नाराज हो गया है और कहते हैं कि उसी वक्त 40 साल के युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी का आत्मविश्वास हिल गया। उस समय राजीव गांधी ने यह फैसला ले लिया कि शाहबानो पर अदालत का फैसला पलट देंगे। कहा जाता है इसी फैसले के बाद कांग्रेस तुष्टीकरण के खतरनाक जाल में फंस गई। कांग्रेस के लिए मुसलमानों के रोजगार और तरक्की का सवाल गैर जरूरी हो गया। लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि पहचान का सवाल सारी दुनिया में एक बड़ा सवाल बन गया है, कुछ मुल्कों का आपने नाम लिया, उन मुल्कों में इस पहचान के सवाल पर न केवल लोगों ने कोई नाराजगी जाहिर की बल्कि वहां पर एक तरह से गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। चंद्रशेखर जी, मैं तो जब से राजनीति में आया हूँ तब से मैं यही करता रहा। मैं एक तरफ उन मुसलमान नौजवानों को समझाता हूँ कि तेरा इस देश में बराबर का हिस्सा है, तू अगर सलीके से अपनी बात कहे, अदब से अपनी बात कहे, राजनीति में हिस्सा ले, देश की जनता के जितने संघर्ष हैं उन सबों में पूरा पूरा हिस्सा ले, देश में जिम्मेदारी संभाले, तो देश भी तुझे तेरा हक देगा, मजबूर होगा। इंसाफ के लिए लड़ो, सबको इंसाफ मिलेगा, तुझे भी मिलेगा। और इसीलिए मैं उससे हमेशा ये कहता रहा कि राजनीति में आओ लेकिन दरबारी मत बनो, तमाशाई मत बनो। और दूसरे मैं इनको समझाता हूँ, दूसरे साथियों को समझाता हूँ कि आईन और कानून की आड़ में उसे दीवार की तरफ मत ढकेलो, उसे गुस्सा मत दिलाओ, उसे ये एहसास मत दिलाओ कि मेरे लिए अब कुछ नहीं रह गया, अब मेरे सामने कोई रास्ता नहीं रह गया। क्योंकि जब वो सिचुएशन पैदा होती है चंद्रशेखर जी, तो आपने ठीक कहा, माहौल बिगड़ जाता है। पहले मुसलमान खामोश अलग थलग किनारे बैठा रहता था, अब वो जिस पार्टी में जाता है जरा कहता है भाई मुझे भी जगह दो। तो ये एक अच्छी बात है, इससे हमें सियासी पार्टियों को, जो हम मुसलमानों के बीच में जो काम करते हैं उन लोगों को, उसे ये एहसास दिलाना चाहिए कि मंजिल अभी, रास्ता भी खत्म नहीं हुआ, अभी हम चल रहे हैं। हम भटक जाते हैं कभी कभी, मगर हमारे सामने जो मकसद है, एक ऐसा देश बनाना जिसमें सबको इज्जत मिलेगी और सबको बराबरी मिलेगी और सबको इंसाफ मिलेगा, ये देश ने नहीं भुलाया है। गांधी और नेहरू के पैगाम को देश ने नहीं भुलाया है। ये गौतम बुद्ध का देश है, ये नानक और चिश्ती का देश है। इस देश में सबके साथ इंसाफ हो। हमारे देश की ऊपर वाले ने ऐसी बनावट बनाई है कि कोई मेजोरिटी ऐसी नहीं है जो किसी न किसी स्थल पर कहीं ना कहीं माइनॉरिटी ना हो, और इसी तरह कोई माइनॉरिटी ऐसी नहीं है, चाहे रिलीजियस, चाहे लिंग्विस्टिक, चाहे रेशियल, जो किसी न किसी स्थल पर मेजॉरिटी ना हो। तो हम क्या ऐसा कोई नेशनल कोड नहीं बना सकते कि जो एक स्थल पर जो भी माइनॉरिटी है उसके साथ एक तरह का व्यवहार। हमारे देश में कोई मेजॉरिटी ऐसी नहीं है जो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी ना हो, और इसी आधार पर नेशनल कोड बनना चाहिए। 21 साल पहले जी न्यूज पर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का जो सवाल उठाया जा रहा था, क्या उसका कोई जवाब है? मेरा ख्याल है कि कोई भी नीति बनाने के लिए सबसे पहले नीयत अच्छी होनी चाहिए। हमारे दौर की राजनीति का सबसे बड़ा संकट यही है कि यहां ईमानदार नीयत का अभाव है। आज का शो शुरू करते हुए मैंने आपसे कहा था कि इमरजेंसी के बाद हमारे देश में दो ऐसी घटनाएं हुई जिनका मजहबी राजनीति पर बहुत बड़ा असर पड़ा, शाहबानो और अयोध्या। कांग्रेस ने शाहबानो में जो गलती की उसका असर अयोध्या पर भी पड़ा। शाहबानो केस के बाद कांग्रेस को लगने लगा कि वो हिंदुओं के बीच अपना जनाधार खो रही है, और यहीं से शुरुआत हुई सॉफ्ट हिंदुत्व की। कहा जाता है कि राजीव गांधी ने शाहबानो के डैमेज कंट्रोल के लिए ही अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाया था। तो क्या यह मान लिया जाए कि मंदिर मंदिर घूमना, गोत्र बताना, जनेऊ दिखाना और खुद को शिव भक्त बताना भी एक तरह का डैमेज कंट्रोल है? चंद्रशेखर के साथ आगे की बातचीत में शामिल हैं के एन गोविंदाचार्य। 75 वर्ष के गोविंदाचार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं। 1988 में वो बीजेपी में शामिल हुए और वर्ष 2000 तक वो बीजेपी के महासचिव रहे। बीजेपी के साथ अब गोविंदाचार्य का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन माना जाता है कि गोविंदाचार्य बीजेपी के लिए अयोध्या आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने वालों में सबसे आगे थे। सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर गोविंदाचार्य से चंद्रशेखर ने पूछा
कि क्या भारत दुनिया के सामने एकजुटता की मिसाल पेश कर सकता है। आज हमारे बीच गोविंदाचार्य जी हैं, हमारे पुराने मित्र हैं, कई विषयों में हमारे इनके अपने मतभेद हैं, लेकिन विचारों के बारे में इनकी स्पष्टता, भविष्य के बारे में इनके मन की कल्पना, इनकी दूरदृष्टि, उससे मैं कायल हूँ। और इसी दृष्टि से मैंने सोचा कि देश का जो आज अहम सवाल है कि हम कैसे एक होकर के समस्याओं का समाधान करें, इसके लिए मैंने उनसे निवेदन किया, वो यहाँ पर आए। गोविंदाचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आप ये नहीं समझते कि आने वाले दिनों में ये उलझनें और बढ़ेंगी, और इन उलझनों का समाधान करने का केवल एक ही रास्ता है कि हमारे देश के सारे लोग, चाहे वो किसी विचार के हों, किसी वर्ग के हों, किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, वो सब लोग मिल करके जो प्रकृति ने हमें साधन दिए हैं उन पर मिलजुल करके काम करें और दुनिया के सामने ये साबित करें कि हम एकता के साथ अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यही एक रास्ता दिखाई पड़ता है मेरी नज़र में। आपकी क्या राय है? हमें इसमें राहत के विषय के रूप में लगता है कि देश की अंदरूनी ताकत भगवान की दया से बहुत है। यहाँ का सामान्य आदमी उन्हें निर्देशित करने की घोषणा करने वाले लोगों की तुलना में ज़्यादा समझदार है, इसलिए देश आज तक सत्ता और प्रतिष्ठान के बावजूद चला है, चलता रहा है। हाँ, लेकिन इसको टेकन फॉर ग्रांटेड मानकर उसके साथ खिलवाड़ी हमेशा करें तो बहुत महंगा पड़ेगा। ये बात सही है, लेकिन क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि पिछले कुछ दिनों में, कम से कम 10-15 वर्षों में, हम लोगों ने जो एक पुरानी मान्यताएं थी या जो देश की परंपरा थी, जो मिलजुल करके काम करने की एक भावना थी, गांव से लेकर के ऊंचे तबके तक, उसको हम लोगों ने बहुत तोड़ा है। और दुर्भाग्य है कि लोकशाही में हमने सोचा था कि लोगों के जनमत को या चेतना को और बढ़ाएंगे और सहयोग की भावना को बढ़ाएंगे। सहयोग के बजाय हम लोगों ने दुराव की भावना को ज़्यादा प्रशय दिया है और उससे बिखराव की ताकतें ज़्यादा बढ़ी हैं। संकट हमारे देश के सामने ये दिखाई पड़ रहा है। पिछले 50 वर्षों में मुझे लगा कि बहुमत की ओर ज़्यादा ध्यान, आम सहमति की ओर ध्यान कम, और अपनी ही चलाने के लिए बहुमत का उपयोग, इसका भी बहुत नुकसान हुआ है। शायद अब 50 साल के बाद स्थितियां ही सिखा दें कि केवल बहुमत से नहीं, आम सहमति के भाव से देश चलाया जा सकता है। स्थितियां तो सिखा रही हैं, लेकिन सीखने वाले नहीं दिखाई पड़ते हैं। दिक्कत ये हो रही है क्या लोग सीखेंगे या नहीं, क्योंकि आप ये देखिए, पहले 50 वर्षों में, अन्य 50 वर्षों के स्थितियां प्रारंभिक दिनों में, कम से कम देश इस रूप में जाति और धर्म के नाम पर या वर्गों के नाम पर नहीं बंटा हुआ था। आज ये बंटवारा या ये बिखराव ज़्यादा प्रबल होता हुआ दिखाई पड़ता है, और इसके आधार पर राजनीति को चलाने की व्यवस्था हम लोगों में ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इससे भी भिन्न, अभी भी कई लोग ये स्थिति होने के बाद भी इसको मान नहीं बैठे हैं, इसमें बदलाव की इच्छा लेकर काम कर ही रहे हैं आज भी। हाँ, स्थितियों का तकाजा, मजबूरी, ये तो स्थितियाँ दिखाई पड़ रही हैं, जिसको वोट बैंक पॉलिटिक्स, और वोट बैंक पॉलिटिक्स भी क्या, जिसमें कि 50% हमको मिल जाए, बाकी 49% का उपयोग, जो 51-49 वाला द्वंद्व रहा है इस देश में, इसने दूरियों को भी जन्म दिया है, असहिष्णुता को भी जन्म दे दिया है, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता को भी जन्म दे दिया है, और छोटे छोटे समूहों के वो ठोस आकार प्रदान कर दिया है, क्योंकि दीवालें मजबूत हो गई हैं, दीवालें टूटी नहीं हैं, और इन्होंने भी घरौंदों की शक्ल ले ली है। आज मुझे विश्वास है कि आप इस दिशा में अपना जो प्रयास शुरू किए हैं उसको जारी रखेंगे। भारत का हर नागरिक संवैधानिक रूप से समानता का अधिकार रखता है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है कि समान नागरिक संहिता को लागू करना राज्य की जिम्मेदारी है। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर देश में लागू हुआ तो हर नागरिक के लिए एक जैसा कानून होगा। शादी, तलाक या संपत्ति के बंटवारे को लेकर हर नागरिक पर एक ही कानून लागू होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला क्यों ना हो। इस देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी धार्मिक आधार पर अपनी नीति तय करती है। अगर आपको लगता है कि किसी को खुश करने के लिए आपके साथ पक्षपात होता है तो यह आपके लिए एक बहुत
शानदार बहुत सही मौका है। वोट देकर अपना फैसला सुनाइए और हमेशा याद रखिए, हमारे देश की विविधता हमारे लिए चुनौती नहीं बल्कि हमारे देश की मजबूती है। अगले हफ्ते एक नए मुद्दे पर बात होगी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। देखते रहिए जी न्यूज़ गोल्ड।